लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में कांग्रेस ने महिलाओं पर दांव खेला है, जहां जयपुर ग्रामीण सीट पर एथलेटिक्स चैंपियन और कांग्रेस विधायक कृष्ण पूनिया को मैदान में उतारा है। तो न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कृष्णा पूनिया ने जयपुर ग्रामीण सीट जीतने के साथ साथ राज्य की सभी 25 सीट जीतने का दावा किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। वहीं अगर जयपुर शहर की बात करें और जयपुर ग्रामीण की बात करें तो दोनों ही सीटों पे कांग्रेस ने महिला कैंडिडेट को उतारा है। वहीं जयपुर ग्रामीण में कृष्णा पूनिया जो सादुलपुर से वर्तमान विधायक भी है और उनको मैदान में उतारा, महिला है और युवा है और किसान नेता है, ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। इसी के चलते हमारे साथ कृष्णा पूनिया मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है, काफी चुनौतियां रहेगी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का सम्मानीय राहुल गांधी जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्मानीय सचिन पायलट साहब का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा करके जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई। और साथ में कहना चाहूँगी कि सभी शीर्ष नेतृत्व ने और जयपुर ग्रामीण के जितने भी हमारे नेता हैं और अपने कार्यकर्ता हैं, सब ने इस बात को स्वीकार करते हुए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो सभी का साथ लेते हुए और सभी आम जनता का सहयोग और आशीर्वाद लेते हुए हम इस सीट को जीतेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार महिलाओं के लिए पैरवी की है, 33% राजनीति में आरक्षण, क्या लग रहा है इस बार जो टिकटों में वितरण हुआ है उसमें भी महिलाओं को बढ़ावा दिया है कौन राहुल गांधी ने? हाँ, सही मायने में मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की बात सम्मानीय राहुल गांधी जी, सम्मानीय मैडम सोनिया गांधी जी करते रहे हैं। और सम्मानीय मैडम सोनिया गांधी जी ने जो आरक्षण की बात उठाई भी थी और इस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर 2019 के जो 4 कैंडिडेट हम महिलाओं को पार्टी ने उतारा है, तो वास्तव में इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ साथ तो मैं कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से जो हमारे कैंडिडेट हैं या जो भी हमारी राज्य की महिला नेता है, सब इस बात से खुश हैं कि हमारे को ये मौका दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से बात करें जयपुर ग्रामीण की, जयपुर ग्रामीण आपके लिए नई सीट है, आपने खेल कुछ खेल के बाद में आपने राजनीति का आपका सफर कैसा लग रहा है और जयपुर ग्रामीण सीट जीतने के लिए कितनी कसम कश मेहनत करनी पड़ेगी? खेल के मैदान के बाद मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही जुड़ी रही हूँ, 6 साल से मैं लगातार पार्टी के साथ हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इन पिछले 5 सालों के अंदर भी मैंने ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही काम किया, किसानों के बीच में रहकर, क्योंकि मैं किसान परिवार से आती हूँ, किसान की बेटी हूँ और महसूस करती हूँ कि मैं उनके दुख तकलीफों को समझने की कोशिश की। और अब जयपुर ग्रामीण की बात अगर मैं कहूँ तो पूरे देश में लगभग एक जैसी समस्या गाँव के बीच में या किसानों की है, तो हम उन तक जाएंगे, उनके मसले, उनके मुद्दे। और जो बीजेपी की पार्टी को जो पीछे सरकार बनी, जब जो उत्साह के साथ और बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ सरकार में ये आए थे, बहुत बड़े बड़े जुमले फेंक के आए थे, वो तथ्य हम सामने पेश करेंगे, हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आश्वस्त हूँ कि टिकट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे लोगों का जो फोन कॉल्स हैं मिलने आने के लिए या जो पदाधिकारी हैं सबने कि हमने जैसा ही टिकट डिक्लेयर हुआ हमने चुनाव को संभाला है, तो ये पॉजिटिव रहेगा कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि को ऊपर लेकर आने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने 72,000 सालाना देने का वादा किया है, काफी घोषणा पत्र में जो काफी वादे किया है, क्या लगता है इसमें असर कितना कर पाएगा इस बार चुनाव में? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी की तरह जुमला नहीं फेंका है, उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और जब सत्ता में आए तो उनके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई, ऐसे रोजगार क्रिएट नहीं किए गए, ऐसी नौकरियां नहीं दी गई जिससे युवाओं की गृहस्थी चल जाती। लेकिन सम्मानीय राहुल गांधी जी ने आते ही सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ता शुरू करवाया कि 30 वर्ष तक की आयु के जो बेरोजगार हैं युवक और युवतियां उनके लिए। अब जो गरीबी से लड़ने की बात की है उसको सभी नेताओं ने स्वीकार किया है और देश की जनता ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि अगर देश के विकास की बात है, जब तक गरीबी आने आती रहेगी देश का विकास नहीं है। और 12,000 की न्यूनतम आय से नीचे जो परिवार हैं देश के, उनके लिए सालाना बेहतर 1,000 रुपये जो पैकेज
कांग्रेस की पार्टी ने जो दिया है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जनता ने इसे बहुत सराहा है और ये एक चुनावी जुमला में न कहकर मैं कहना चाहूंगी कि पार्टी ने जो वादे किए हैं, चाहे आप राज्य में सरकार बनते ही जो वादे किए थे उनके ऊपर कार्य किया, ठीक उसी तरीके से देश की जनता कांग्रेस को मौका देती है तो आते ही इनके ऊपर काम किया जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कृष्णा पुनिया जो जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनका यही कहना है कि जो घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने वादे किए वो पूरा करेंगे और किसानों के बेरोजगारों के लिए और महिलाओं के लिए जो वादे किए थे उन पर कांग्रेस खरा उतरने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज इंडिया, जयपुर।